राय ने राजकुमारी अंबा के साथ अनुचित व्यवहार किया था, परंतु वो एक अलग कहानी है। मेरे यौवन में परशुराम मेरे वो पिता थे जिनकी कमी मुझे खलती थी। मैं जो भी जानता हूँ उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने ही मुझे ऐसा योद्धा बनाया है। उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों के साथ वो गलती कभी नहीं दोहराई, ना तो द्रोण के साथ ना ही कर्ण के साथ। मैं अकेला ही काफी था। जब मुझे अपने पिता के पास भेजा गया तब मैं एक युवक था, एक उत्तम राजकुमार जो राजकाज संभाल सकता था, परंतु तब तक काफी समय बीत चुका था और मेरी माता की बहती धाराओं की तरह मेरे पिता भी हमें भूल चुके थे। शांतनु को तब तक सत्यवती से प्रेम हो चुका था, वो भी एक नदी की राजकुमारी थी, एक मछुआरे की पुत्री, बहुत ही सुंदर और अभिमानी थी और मेरे पिता का जीवन उनके ही इर्द गिर्द सीमित था, परंतु उनका कर्तव्य मेरे प्रति था, सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रति। समस्या ये थी कि अगर वो मुझे सिंहासन देने का वचन देते तो सत्यवती को गंवा देते। कर्तव्य और निष्ठा ने पहले ही उनके सात पुत्रों के प्राण ले लिए थे, उनकी पत्नी और पुत्र उनसे छीन चुके थे, तो क्या अब मैं भी उनके जीवन की खुशियां उनसे छीन लेता? मैंने सिंहासन लेने से मना कर दिया। मैंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेकर अपने उन बच्चों की हत्या की थी जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद भी मुझे अपने पिता की आंखों में भय दिख रहा था, इसलिए मैंने फिर से प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर कुरु सिंहासन की सेवा करता रहूंगा। तभी मेरा नाम भीष्म पड़ा, कठिन प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य। मेरे लिए ये नाम भी सही था, मेरी माँ एक नदी की देवी थी। मैं नहीं जानता कि मैं कितना मनुष्य हूं, इतना तो जानता था कि मैं नश्वर हूं, पर देवता मेरी उस प्रतिज्ञा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। मैं अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकता हूं, मुझे इच्छा मृत्यु हासिल है। मैं भीष्म, मैं जानता हूं कि वो समय आज तो नहीं है। जब मैं इन बच्चों को अपने हाथों मरते हुए देखता हूँ तो मन में प्रश्न उठता है, क्या मुझे बहुत पहले ही अपनी मृत्यु चुन लेनी चाहिए थी? मैंने उन्हें पैदा होते हुए देखा है, जवान होते देखा है, मुझे उनकी हंसी याद है, उनका भोलापन याद है। ये बात कुछ ही समय पुरानी है और आज मैं उनके प्राण ले रहा हूँ। क्या मुझे उस व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए जो उनके प्राण लेना चाहता है? पितामह, आप जानवरों को मारना बंद कीजिए और मुझे पांडवों के शीश दीजिए, आप सुन रहे हैं ना? बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने वो प्रतिज्ञा लेकर भूल कर दी थी। मेरे जैसा राजा इस विश्व को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था, मैं इस युग की नई कहानी लिख सकता था और उसका अंत भी।